दोस्तों आपने कई लोगों से यह बात तो सुनी ही होगी कि अगर बॉलीवुड में सफल होना है और अपना करियर बनाना है तो शुरुआत में आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। फिर यह कॉम्प्रोमाइज पैसों को लेकर हो या फिर अपनी इज्जत को लेकर हो। अक्सर ये खबरें आती भी रहती हैं कि किसी नई लड़की से बॉलीवुड में काम के बदले डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर द्वारा अननेसेसरी डिमांड किए गए। मैम, आई वांट टू नो, वी हैव लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई वांट टू नो एवरी इंच ऑफ योर बॉडी एंड आई कुडंट बिलीव माय इयर्स एज़ टू व्हाट आई एम हियरिंग। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्री हैं जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए हर वक्त कीमत चुकाई जो एक इज्जतदार लड़की कभी भी चुकाना नहीं चाहेंगी। इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों का नाम शामिल है। अब जैसे कि कंगना रनौत को ही ले लीजिए। अपनी पहली फिल्म में किसिंग सीन देने पर कंगना के माँ बाप ने उन्हें बेदखल कर दिया था। आगे कंगना पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने मर्दों को फंसाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। फिल्म का क्या है ना, आते जाते रहते हैं इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ। सिर्फ फिल्मों में काम पाने के लालच में यह इतनी डेस्परेट हो गई कि जानबूझकर एक डायरेक्टर का शिकार हो गई और उसके बाद नशे की गिरफ्त में चली गई। यहाँ तक कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर ने इनका इस्तेमाल करके इन्हें छोड़ दिया। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें कंगना की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि बॉलीवुड में शायद ही फिलहाल यही वह एकमात्र एक्ट्रेस हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात बिना किसी लाग लपेट के रखती हैं और शायद इसीलिए जनता आज भी कंगना रनौत को प्यार करती है। तभी तो यह मोदी सरकार की चहेती मंत्री भी हैं। इस वीडियो में हम कंगना रनौत की लाइफ के ऐसे ऐसे किस्से शेयर करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। पर उससे पहले नजर डालते हैं कंगना रनौत की शुरुआती जीवन पर। बॉलीवुड की हॉट क्वीन कंगना का जन्म 1987 में एक ठाकुर फैमिली में पिता मरदीप और माता आशा के घर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 23 मार्च हुआ था। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम रंगोली है। रंगोली ही कंगना की मैनेजर भी है। कंगना ने चंडीगढ़ से 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की है। जी हाँ, कंगना ने सिर्फ 12th क्लास तक की ही पढ़ाई की है। पर जैसे कि आप जानते हैं कि हर माता पिता का यह सपना होता है कि उनकी संतान अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। पर कंगना का मन फैशन में ज्यादा लगता था और तभी इन्होंने एक फैशन शो में पार्टिसिपेट किया और उन्हें फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। इसके बाद कंगना को एक शूटिंग का ऑफर आया और यह बात हंसी खुशी के साथ कंगना ने अपने फैमिली को बताई ताकि उन्हें मुंबई जाने की परमिशन मिल जाए। पर उन्हें मुंबई जाने की आज्ञा नहीं मिली। जब कंगना 16 साल की हुई तब एक रात उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और हाथ में सिर्फ 1,00,000 रुपए लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद उनकी हालत कौवा बिरयानी वाले विजय राज जैसी हो गई। इसलिए क्योंकि दिल्ली में उनके पास ना तो रहने का ठिकाना था और ना ही खाने का ठिकाना था। हम तो घर ही आ रहे थे भाई, लेकिन ये सिटी बहुत बदमाश है भाई। फिर भी कंगना ने हार नहीं मानी और दिल्ली में नुक्कड़ नाटक और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया और एड एजेंसियों के चक्कर लगाने भी शुरू कर दिए। पर उन्हें कुछ खास काम नहीं मिला। ऐसे में कंगना के मन में यह ख्याल आया कि दोबारा से घर चली जाए। पर क्योंकि वह अपने घर से भाग कर आई थी और घर वालों के लिए इज्जत काफी ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए कंगना ने दोबारा से घर जाने का फैसला ही टाल दिया। यहाँ पर कंगना के कुछ दोस्तों ने उन्हें समझाया कि दिल्ली में कुछ नहीं रखा है, अगर तुम्हें वास्तव में हीरोइन बनना है तो तुम्हें माया नगरी मुंबई में जाना ही पड़ेगा। पर अगर मुंबई में कोई गॉडफादर ना हो तो काम पाने में तुम्हें कई साल लग सकते हैं। दोस्तों की बात मानकर कंगना मुंबई आ गई और रोजाना डायरेक्टर के घरों और ऑफिसों के चक्कर लगाने लगी, पर उन्हें काम नहीं मिला। ऐसे में कंगना ने एक्टिंग को गहराई से समझने के लिए आशा चंद्र के ड्रामा स्कूल को ज्वाइन कर लिया और हॉस्टल में ही रहने लगी। मुंबई में कंगना को एक दो सूट मिल जाते थे जिससे उनका खर्चा चल जाता था। हॉस्टल में कंगना की एक दोस्त बनी डॉली, जिसने भलाई के नाम पर कंगना को नर्क में फंसा दिया। जी हाँ दोस्तों, डॉली कई बड़े बड़े एक्टर को जानती थी और उसने कंगना की मुलाकात आदित्य पंचोली से करवाई। आदित्य पंचोली ने कंगना को हीरोइन बनने का सपना दिखाया और अपने जाल में फंसा लिया। अलग बात है कि वह खुद ही कई दशकों से बेरोजगार बैठा है। आदित्य पंचोली ने कंगना को अपने किसी दोस्त के फ्लैट में रखा और फिल्मों में काम पाने के लालच में कंगना आदित्य पंचोली के साथ लिव इन में रहने लगी। दैट टाइम कंगना सिर्फ 17 साल की थी और अपने से कई साल बड़े आदित्य के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदित्य उन्हें हीरोइन बना देगा। आदित्य कंगना को अपने साथ बड़ी बड़ी नाइट पार्टियों में ले जाने लगा और धीरे धीरे नाइट पार्टियों में जाने की वजह से कंगना शराब पीने लगी और कई तरह के नशे करने लगी। आदित्य पंचोली ने कंगना का खूब फायदा उठाया और कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की,
लेकिन कंगना हमेशा विरोध करती रही। जब तक कंगना को कुछ समझ में आता तब तक वह एक नशेड़ी लड़की बन चुकी थी। आदित्य पंचोली कंगना को अपने इशारों पर नचा रहा था। उसने कंगना को अपने दोस्त के घर में कैद कर लिया था और उसे प्रताड़ित करने लगा। एक दिन कंगना जब किसी जगह पर शराब पी रही थी तब अनुराग बासु की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने कंगना से पूछा कि क्या तुम फिल्म में काम करोगी। ऐसे में कंगना को मान और डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया। अनुराग ने कंगना को महेश भट्ट से मिलवा दिया लेकिन महेश भट्ट ने कंगना को रिजेक्ट कर दिया। इधर जैसे ही आदित्य पंचोली की इसकी जानकारी लगी तो आधी रात को ही कंगना के घर पहुंच गया और कंगना को खूब परेशान किया और कंगना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन कंगना किसी तरह बंगले से निकलकर भाग गई और पुलिस थाने पहुंच गई और उसके बाद कंगना ने आदित्य पंचोली पर केस कर दिया। पुलिस ने आदित्य पंचोली को दो दिन में तारे दिखा दिए और इस तरह कंगना को आदित्य पंचोली से छुटकारा मिल गया। इसके बाद कंगना अनुराग बसु की शरण में पहुंच गई और पता नहीं अचानक से कंगना ने कौन सा बाण चलाया कि जिस महेश भट्ट ने उन्हें रिजेक्ट किया था उसी की गोद में जाकर कंगना बैठ गई और महेश भट्ट ने कंगना को फिल्म गैंगस्टर में ले लिया। इस तरह कंगना को पहली फिल्म बॉलीवुड के किसिंग गॉड कहे जाने वाले इमरान हाशमी के साथ मिल गई। अब फिल्म में इमरान हाशमी और किसिंग सीन ना हो ये कैसे हो सकता है जिसका पूरा करियर ही किसिंग सीन पर चल रहा है। तो फिल्म गैंगस्टर में भी किसिंग सीन थे और अपनी पहली फिल्म में इन्होंने इमरान हाशमी के साथ किसिंग सीन दिए। फिल्म रिलीज होने के बाद जब कंगना की फैमिली वालों ने कंगना के किसिंग सीन देखे तो उन्होंने तुरंत ही कंगना को अपने घर से बेदखल कर दिया और ये भी कहा कि हमारा अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। पर कंगना पर इसका कोई भी खास असर नहीं पड़ा। कंगना ने अब महेश भट्ट को ही अपना गॉड फादर मान लिया। वैसे भी महेश भट्ट को हमेशा नई नई लड़कियों की तलाश ही रहती थी। ऐसे में उन्होंने कंगना को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म गैंगस्टर बड़ी हिट हुई और कंगना को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया और अनुराग बासु की वह एहसान मंद हो गई। इसके बाद वो अनुराग बासु की फिल्म ओ लम्हे में नजर आई। अनुराग बासु के पास कोई वैसे कहानी तो नहीं थी लेकिन उन्होंने महेश भट्ट और प्रवीण भाभी की ही कहानी दिखा दी जिसे महेश भट्ट ना जाने कितनी बार अपनी फिल्मों में दिखा चुके हैं। ऐसे में इस पकी हुई कहानी को किसी ने पसंद नहीं किया और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद कंगना की और भी कई फिल्म आई जिनमें शकला का बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, धूमधाम जैसी फिल्में रही, लेकिन यह सब के सब फिल्में फ्लॉप हो गई और कंगना डिप्रेशन में जाने लगी। तभी उन्हें प्रियंका चोपड़ा के साथ फैशन मूवी में साइन कर लिया गया और एक बार फिर से कंगना लाइमलाइट में आ गई। कंगना ने फैशन में खूब जलवा दिखाया और इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिल गया और उसके बाद एक बार फिर कंगना को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। कंगना की झोली में और भी कई बेहतरीन फिल्में आईं जैसे कि वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट वडाला, रिवॉल्वर रानी, रंगून, गेम। कंगना की अगर सबसे सफल फिल्मों की बात की जाए तो वो रही क्रीज क्वीन, तनुवेट्स मनु और तनुवेट्स मनु रिटर्न्स। तनुवेट्स मनु में इनके किरदार ने खूब शोहरत बटोरी। तुमने अपने हिस्से के मिठाइयां और दाल मोट खा ही लिए हैं तो तुम्हें बता दूं, गो टू हेल। और फिल्म भी इतनी बड़ी हिट हुई कि इसका दूसरा पार्ट भी आ गया जिसका नाम था तनुवेट्स मनु रिटर्न्स। फिल्म क्वीन में इनके काम को इतना पसंद किया गया कि यह पूरी फिल्म कंगना ने अकेले दम पर हिट करवा ली। और यहीं से कंगना के अंदर घमंड ने जगह बना ली। कंगना को लगने लगा कि वह अकेले दम पर फिल्में चला सकती हैं और उसे किसी हीरो की जरूरत नहीं है। और फिर कंगना ने उन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया जिनमें सिर्फ उन्हें ही महत्व दिया जाए, जिनमें सिमरन, पंगा, धाकड़ और मणिकर्णिका जैसी फिल्में शामिल रही। अब हम बात करेंगे कंगना के अफेयर्स की। फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में काम करने के दौरान कंगना का नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा, जिसके बाद तो अजय देवगन कंगना को अपनी हर फिल्म में लेने लगे और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वहीं कंगना भी अजय देवगन के करीब आने लगी क्योंकि अजय देवगन पहले से एक बड़े सुपरस्टार थे। अजय देवगन ने अपना करियर कंगना से काफी पहले ही शुरू किया था, पर जब इस बात की जानकारी काजोल को हुई तो उन्होंने अजय देवगन को खूब फटकारा और इसके बाद अजय ने तो कंगना से दूरी बनाना ही सही समझा। भाई, बीवी से कौन लड़ सकता है। फिल्म राज द मिस्ट्री में काम करने के दौरान कंगना के अपोजिट शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन थे और इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। जहां अध्ययन कंगना को प्यार करने लगे थे तो वहीं कंगना भी अध्ययन के बारे में अच्छा सोचती थी।
पर शेखर सुमन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कंगना रनौत के चक्कर में पड़े, क्योंकि शेखर का मानना था कि कंगना दिमागी रूप से कमजोर है और वह थोड़ी मेंटल भी है। पर जब उन्हें कोई भी बहाना नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि कंगना ने उनके बेटे पर काला जादू करवा दिया है और काले जादू से ही मेरे बेटे को फंसा कर रखा है। बाद में अध्ययन सुमन ने भी यह बयान दिया कि कंगना ने उन्हें अपने वश में कर रखा था, मतलब कि उन पर काला जादू करके लोगों को फंसाने के आरोप लगने लगे। अब ये सोचने वाली बात है कि फिल्म राज काले जादू की कहानी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कंगना को सच में काला जादू आता है। वेल, इसके बाद कंगना का नाम बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम मैन ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। कंगना के प्यार में ऋतिक ऐसे पागल हुए कि अपनी पत्नी को भी उन्होंने तलाक दे दिया, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार भी एक मिस्ट्री बनने लगा। फिल्म बैंग बैंग में ऋतिक रोशन ने कटरीना कैफ के साथ काम किया और कटरीना के साथ ऋतिक के अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में होने लगी। कंगना को जब यह बात पता चला तो उन्होंने ऋतिक रोशन को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऋतिक रोशन ने कंगना पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंगना मानसिक रूप से बीमार है और कंगना का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कंगना ने भी ऋतिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद कंगना का नाम जुड़ा यूके बेस्ड डॉक्टर निकोलस लाफर्टी से। डॉक्टर कई बार सिर्फ कंगना से मिलने के लिए मुंबई आया करते थे, लेकिन यह रिश्ता अभी ज्यादा लंबा नहीं चला। बात करते हैं कंगना के उन बयानों और विवादों की जो उन्हें बॉलीवुड में सबसे अलग बनाते हैं। कंगना का पहला विवाद करण जौहर से जुड़ा, जब उन्होंने करण जौहर के ही शो कॉफी विद करण में उन्हें मूवी माफिया और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला बता दिया था। Completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. करण जौहर इस बात पर इतना भड़क गए कि उन्होंने कंगना को विक्टिम कार्ड वाली महिला कह दिया और कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को भी कहा। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली थी। इन्होंने भी करण जौहर से कह दिया कि यह इंडस्ट्री तुम्हारे पापा का बनाया हुआ स्टूडियो नहीं है, जो तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगी। भाई इसके बाद तो कंगना और करण दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आलिया भट्ट की सफलता को लेकर भी कंगना ने कहा था कि वह करण जौहर की कठपुतली हैं, इसलिए मैं उनकी सफलता को सफलता नहीं मानती। इसके बाद यह विवाद काफी बढ़ गया। हालांकि हर जगह उंगली करने की आदत कंगना के लिए कई बार आफत भी बनी, लेकिन इससे कंगना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कंगना ने महेश भट्ट के साथ एक फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कंगना पर महेश भट्ट भड़क गए और उन्होंने कंगना पर चप्पल फेंक कर मारी थी। सुनने में यह भी आया था कि कंगना को महेश भट्ट ने खूब पीटा और महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने कंगना को बचाया था। इसके बाद कंगना ने महेश भट्ट का वो काला कच्चा चीठा खोलकर दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद महेश भट्ट एकदम से नंगे हो गए। महेश भट्ट पर कंगना ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें हाउसी और सन की डायरेक्टर तक बता दिया था। बाद में बॉलीवुड से कंगना का 36 का आंकड़ा होता चला गया। कंगना का सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई और कंगना ने पूरे बॉलीवुड और नेपोटिज्म को इसका जिम्मेदार ठहराया। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, करीना कपूर सभी को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद उनके एक बयान ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी। कंगना ने ये कहा था कि यही वह 4-5 खानदान है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री चलाते हैं। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। कंगना की इस बात को लोगों ने भी माना और लोगों ने जमकर बॉलीवुड का बायकॉट करना शुरू कर दिया। वह कंगना ही थी जिसने बायकॉट की ऐसी आंधी को जन्म दिया, जिसने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे दिग्गजों की भी जड़ें हिला दी थी और लगभग एक साल तक बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए तरस गया। कंगना के बयान के बाद लोग स्टार किड्स को दुश्मन मानने लगे थे। इसका शिकार हुई आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2, जिस पर लोगों ने इतना ज्यादा एंग्री रिएक्शन दिया था कि इस फिल्म का ट्रेलर दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिसलाइक पाने वाला ट्रेलर बन गया। इसके बाद तो बॉलीवुड गैंग कंगना के पीछे ही पड़ गई। बॉलीवुड गैंग ने कंगना को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि कंगना बॉलीवुड से बाहर हो गई। पर आखिरकार कंगना भी राजपूत का खून थी। उन्होंने इसके बाद भी हार नहीं मानी और खुद की प्रोडक्शन कंपनी में फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया और साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस जयललिता की इन्होंने बायोपिक बनाई। फिल्म में कंगना ने जमकर इन्वेस्ट किया। फिल्म भी अच्छी बनी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और कंगना को भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने फिल्म मणिकर्णिका बनाई और इसकी एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वह खुद रही, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई और कंगना बर्बाद हो गई। फिल्म रिलीज होने के कुछ दिनों के बाद कंगना ने एक और विवाद खड़ा कर दिया।
उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस तापसी उनकी सस्ती कॉपी है। इसके बाद तो दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। फिर कंगना वैसे भी विवादों के लिए ही जानी जाती हैं। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार उद्धव ठाकरे के बेटे को बता दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंगना के मुंबई ऑफिस को तोड़ फोड़ दिया। पर कंगना अभी चुप नहीं बैठी और उन्हें ये लगा कि असली पावर तो पॉलिटिक्स में है। और बस कंगना का भी पॉलिटिक्स की तरफ रुझान बढ़ने लगा। वह हर बात पर और हर मुद्दे पर भाजपा का समर्थन करने लगी। एक समय पर वो मोदी जी की इतनी बड़ी प्रशंसक हो गई कि उन्होंने मोदी जी के कार्यकाल को ही भारत का स्वर्ण युग बता दिया। उन्होंने बयान दिया कि भारत को असली आज़ादी 2014 में ही मिली है, जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के बाद भाजपा का भी ध्यान कंगना पर आ गया और कभी फिल्मों को 1% भी पसंद नहीं करने वाले योगी जी भी कहने लगे कि मैं कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा। इसी बीच दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था। हरियाणा और पंजाब के किसान लंबे समय से रोड जाम करके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन को कंगना ने आतंकवादियों का आंदोलन बता दिया था, जिसके बाद पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ कंगना की भिड़ंत हो गई थी। कंगना की इसी बात से एक महिला जवान काफी ज्यादा चिढ़ गई थी और जैसे ही पंजाब के एयरपोर्ट पर कंगना आई तो उस महिला जवान ने कंगना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। महिला जवान ने कहा कि किसानों के आंदोलन में मेरी माता भी शामिल थी और कंगना किसानों को बुरा भला कह रही थी और आतंकवादियों से उनकी कंपैरिजन कर रही थी। बाद में उस महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। पुलवामा अटैक के समय कंगना का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान भी काफी चर्चित रहा था, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है बल्कि पाकिस्तान का विनाश ही इस समस्या का समाधान है। मोदी सरकार की लगातार तारीफ का फायदा ये हुआ कि कंगना को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा का टिकट दे दिया और वह चुनाव लड़ी और जीत भी हासिल की और आज वह लोकसभा की सांसद है। कंगना ने कई अवार्ड हासिल किए जिनमें उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड और 5 फिल्मफेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके साथ ही वह 5 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं। कंगना रनौत का जीवन एक महिला के तौर पर सच में प्रेरणादायक है, क्योंकि इतनी निडर और अपने इरादों पर टीके रहते हुए गलत को गलत कहना सच में हिम्मत का काम है। दोस्तों, आप कंगना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अब तक आपने इमोशन बॉक्स बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जय हिंद।